BA 5th semester Political Science Unit 1st. Meaning, Nature, Scope and Significance of Public Administration. Evolution of Public Administration as a Discipline, Public and Private Administration, Role of Public Administration in Modern State. What is Public Administration? Public Administration एक अनुशासन है जो लोगों के भलाई के लिए, Public Policies के Organization, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन से कंसर्न रखता है। यह उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल सेटिंग में काम करता है, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सरकार का बेस है, ये समाज में बदलाव का साधन है, ये लोगों के जीवन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ये स्टेट के लॉस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेड करने का एक साधन है, ये समाज में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है क्योंकि ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह एंश्योर करता है कि सिटीजन्स कानूनों और नियमों का पालन करें, तभी समाज ऑर्डरली एंड डेवलप्ड हो सकता है, इसलिए कानूनों को ठीक से लागू करना जरूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को अन्य सरकारों के साथ काम करने में मदद करता है, ये कोऑर्डिनेशन कई फील्ड में देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समय के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बदलाव आया है, यह सख्त तरीके से काम करता था, अब यह लोगों के लिए आसान और मददगार तरीके से काम करता है। 1. पास्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड रूल का पालन करता था, गवर्नमेंट वर्कर्स को नियमों का सही पालन करना था, पॉलिसीज बनाने वाले व्यक्ति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग काम करते हैं। 2. ये पुराना तरीका 1800 के आखिर और 1900 के शुरुआत में डेवलप हुआ, वेबर, टेलर और फायोल जैसे व्यक्तियों ने इसे डेवलप किया। 3. लेकिन इस पुराने तरीके में दिक्कतें थी, इसने धीरे धीरे डिसीजंस लिए, इससे सरकारी सेवाओं में सुधार नहीं हुआ, इसलिए 1900 के डेकेड के बीच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव शुरू हुआ। 4. मॉडर्न तरीके फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देते हैं, लोगों और सिटीजंस को हिस्सा लेने और परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर नई स्थितियों के लिए नियम बदल सकते हैं, लोगों से पूछने में सिटीजन से आइडियाज लेना शामिल है। 5. हिस्सा लेने का मतलब है गवर्नमेंट और डिसीजंस में सिटीजन्स को शामिल करना, परफॉर्मेंस की जांच काम को स्किलफुली और इफेक्टिव ढंग से करने पर फोकस करती है। इन समरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन से पता चलता है कि जहां ट्रेडिशनल रूल्स उपयोगी बने हुए हैं, वहीं गवर्नमेंट को इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए मॉडर्न चेंजेस की जरूरत है। सफल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडिशन और चेंजेस दोनों जरूरी हैं। डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। 1. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट की सेवा पर फोकस करता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट पैदा करने और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को पूरा करने पर फोकस करता है। 2. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मुख्य रूप से टैक्सपेयर्स द्वारा फंडेड किया जाता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को शेयरहोल्डर्स और इन्वेस्टर्स द्वारा फंडेड किया जाता है। 4. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता के प्रति जवाबदेह है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के अंडर है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन शेयरहोल्डर्स के प्रति जवाबदेह है और मार्केट कॉम्पिटिशन से इन्फ्लुएंस्ड है। 5. अप्रूवल और पब्लिक जांच की कई प्रोसेस के कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लेना धीमा हो सकता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अधिक तेजी से डिसीजन ले सकता है। 6. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्सेदारी, सोशल वेलफेयर और पब्लिक गुड्स पर जोर देता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिटेबिलिटी और शेयरहोल्डर वैल्यू को प्रायोरिटी देता है। रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, यह एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो प्रॉपर लॉ और ऑर्डर बनाए रखकर समाज के सदस्यों के जीवन और दौलत की हिफाजत करता है। उस मामले में इकोनॉमिक, कल्चरल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किसी समाज का शासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। सरकारी
मशीनरी के रोजमर्रा के कामकाज, विदेशी मामले और सबसे जरूरी, देश की हिफाजत देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जाने वाले अन्य जरूरी काम है। मॉडर्न स्टेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रोल और स्कोप लगातार बड़ा और लंबा चौड़ा हो रहा है।